और इसी बीच AIMPLB का जीवो करीब बयान जो है वो विरोध जो है वो सामने आया है। सूर्य नमस्कार का विरोध कर रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। स्कूलों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का सरकार का निर्देश है। सरकार के निर्देश के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उतर आया है। बोर्ड ने कहा कि सूर्य पूजा का एक रूप इस्लाम इसकी अनुमति नहीं देता है। ये कहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कि सूर्य पूजा का एक रूप है इसलिए इस्लाम इसकी अनुमति नहीं देता है और इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध जताया है। आपको बता दें कि सूर्य नमस्कार का जो निर्देश है वो सरकार की तरफ से स्कूलों के लिए जारी किया गया है कि बच्चों को सूर्य नमस्कार सुबह प्रेयर के वक्त कराया जाए और इसी का विरोध मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस विरोध को लेकर यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने पलटवार किया। उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको सुनवा देते हैं। ऑल इंडिया मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड जो है ये लगातार आपने देखा होगा अखिलेश यादव जी को नमस्कार करेंगे, मुलायम सिंह यादव जी को नमस्कार करेंगे, राहुल जी को नमस्कार करेंगे, सोनिया जी को नमस्कार कर लेंगे लेकिन सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। जहां से प्रकाश निकलता हो, जहां से ऊर्जा मिलती हो उसको नमस्कार नहीं करेंगे, जहां से इनकी जेब भरती हो उनको नमस्कार करने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर पिछले कुछ दिनों में कितने नेता कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सबसे पहले जो ताजा अपडेट है वो अरविंद केजरीवाल को लेकर है। दिल्ली के सीएम है जिन्होंने आज ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी कोरोना संक्रमित हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तो ये वो नेता हैं जो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और इन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। साथ ही साथ अपने संपर्क में आए लोगों से भी टेस्ट करवाने की अपील इन तीनों नेताओं की तरफ से की गई है। उधर कोरोना का कहर देश में बढ़ता ही जा रहा है और इसी के साथ टेंशन भी बढ़ती जा रही है। कोरोना किस तरह अपना कहर बरपा रहा है इसे समझने के लिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं 6 तस्वीरें। एक तरफ देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,379 मामले सामने आए हैं, तो वहीं 124 लोगों की मौत हुई है। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 1,892 हो गई है। वहीं दिल्ली में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसी को देखते हुए दिल्ली में अब वीकेंड कर्फ्यू लागू होगा, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। इसके अलावा यूपी में भी वीकेंड कर्फ्यू पर जल्दी फैसला हो सकता है। स्वास्थ्य सलाहकार समिति के साथ आज सीएम समीक्षा करेंगे। शाम 6:30 बजे सीएम की टीम 9 की बैठक होने वाली है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। दिल्ली से ही सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं ओमिक्रॉन को लेकर एक राहत भरी खबर यह है कि ओमिक्रॉन का टेस्ट करना अब आसान हो गया है। ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए किट को मंजूरी दे दी गई है। ICMR ने ओमिश्योर नाम की किट को मंजूरी दे दी है।